ये गेम्स किस प्रकार से टीचिंग के अंदर इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेकिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विद्यार्थियों का ऑल ओवर डेवलपमेंट उसमें ही डिपेंड करता है। दे कीप देयर फिजिकल फिट, और जैसा कि पता है कि स्पोर्ट्स करेंगे गेम खेलेंगे तो विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से भी वो फिट रखेगा। द क्वालिटीज डेवलप बाय द प्लेग्राउंड इन स्टूडेंट्स टेक द स्टूडेंट्स फॉर अहेड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ करियर। स्टूडेंट्स लर्न टीम स्पिरिट, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजन, क्विकनेस, क्यूरियोसिटी ऑफ डूइंग वर्क, फीलिंग ऑफ लीडरशिप एंड कोऑपरेशन एक्सेट्रा बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्टिविटीज। यानी कि यदि हम इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल उनका डेवलपमेंट तो होगा, इसके साथ ही वो इस चीज में भी अपना करियर बना सकते हैं और हमेशा आगे रहेंगे। अब बिसाइड दिस और उनके अंदर जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है नेतृत्व करने की वो भी उनके अंदर विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट है डिसाइड दिस सोशल एंड मोरल ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी गेन ड्यू टू दिस एक्टिविटीज। जो सोशल मोरल ट्रेनिंग जो उनको मिलती है, सामाजिक और नैतिकता की ट्रेनिंग, वो भी उनके माध्यम से उन्हें मिल सकती है। द फॉलोइंग एम्स आर टू बी फुलफिल्ड बाय द दिस एक्टिविटीज। अब कौन सी एम्स है जो इस एक्टिविटीज को पूर्ण कर सकते हैं, उसमें ड्यू टू दिस एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कीप देमसेल्फ फिट। फिर हमारा डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स, पहला है हमारा डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स। नेक्स्ट यानी कि ये हेल्दी जो हैबिट्स होती है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग कोऑपरेटिव फीलिंग्स, डेवलपिंग कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन की जो फीलिंग होती है, जो सहयोग की, वो भी इनके अंदर विकसित होती है। डेवलपिंग सोशल एक्टिविटीज, अब क्या डेवलप होता है सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज डेवलप होती है, यानी कि कैसे समुदाय में काम करना, सामाजिक रूप से कैसे रहना है, गेम्स और स्पोर्ट्स के माध्यम से विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग चांस टू इंट्रोड्यूस पर्सनली, यानी कि गेम्स और इसके माध्यम से क्या होता है, पर्सनल खुद का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन हम करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमारा जो खुद का जो भी परफॉर्मेंस है उसके माध्यम से हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन वहां पर होता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ करेज, पेशेंस, ये जो पेशेंस होते हैं, धैर्य होता है, फिर आत्मनिर्भरता, ये सारे जो साइन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स यानी समझना दूसरों को, ये सारी क्वालिटीज गेम्स के माध्यम से डेवलप होती है। फिर एक्सरसाइजिंग फॉर डूइंग राइट वर्क अकॉर्डिंग टू मैनुअल्स, यानी कि जो हमें सही क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस कार्य के लिए, किस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, सबकी जो हमें समझ है वो हमें स्पोर्ट से ही मिलती है। एक्सरसाइजिंग टू एक्सेप्ट डिफीट एंड विक्ट्री विद अनइक्वल फीलिंग, यदि हम हार जाते हैं तो हम एक्सरसाइज करते कड़ी मेहनत करते हैं और जीतने की पूर्ण कोशिश करते हैं। अब जो इसके अंदर जो डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टीज कौन कौन सी हो सकती है जब हम गेम्स खेल रहे हैं, या हम जब भी जो खेल रहे हैं जैसे स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे गेम्स का, तो डिफिकल्टीज क्या आती है इसमें, उन डिफिकल्टीज को पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम कौन कौन से गेम इसमें डिसाइड कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर डिफिकल्टीज आती है। तो लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, सबसे पहला आता है हमारा लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, जो ट्रेन टीचर्स है उसकी कमी हमें मिलती है। उसके अलावा ट्रेन टीचर्स नहीं मिल पाते हैं तो जो प्रॉपर गेम्स बनाने या उसके जो रूल्स होते हैं उनसे बच्चे, ये सारी समस्या आती है, तो बच्चों को सही से तरीका खेलने का और उनके रूल्स भी नहीं पता चलते। फिर हमारा प्रॉपर टीचर्स भी मिलते हैं, प्लेग्राउंड्स और इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड भी जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, इसकी कमी हमेशा रहती है। प्लेग्राउंड से इक्विपमेंट्स, ये सबसे बड़ा बैकफुट हमारा किसके अंतर्गत, सबसे बड़ा बैकफुट हमारा स्पोर्ट्स के अंदर, ऑल ओवर
हम सही इक्विपमेंट भी नहीं खरीद पाते जिससे कि हम विद्यार्थियों को गेम्स की ओर आकर्षित करें जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब नेक्स्ट के जो सजेशन दिए टेकिंग केयर फुल एक्शन अंडर द हेड फॉलोइंग सजेशन आर डन सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें यानी कि जो कमियां रहती हैं कमियों को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर से सहायता मांगनी चाहिए। गुड प्लेयर्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो गुड प्लेयर हो उनका रुझान हमें और उस तरफ गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाना चाहिए। उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमें जो भी इक्विपमेंट चाहिए या जो भी चीज़ों की आवश्यकता उन सब चीज़ों के लिए हमें बोलना चाहिए। फिर है अरेंजमेंट फॉर इंडोर एंड प्ले ग्राउंड शुड बी मेड प्रॉपरली। जो अरेंजमेंट हम करें इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए जितना भी समय चाहिए और जो प्लेस चाहिए उसका हमें अच्छे से प्रॉपरली उसको अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन टीचर्स जो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ट्रेन टीचर्स की क्योंकि ट्रेन टीचर्स ही है जो विद्यार्थियों को सिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें कार्य करना किस तरह से उन्हें गेम्स खेलना क्या रूल्स होते हैं क्या प्लेग्राउंड चाहिए कितना टाइमिंग होता है क्या ड्यूरेशन है उसके लिए हमें ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट इन गेम्स यानी कि एक ही तरह का गेम्स ना खिलाना चाहिए तरह तरह के गेम्स उन्हें हर तरह के गेम्स को खिलाना चाहिए। तब ये कब होगा जब हमें ट्रेन टीचर्स मिलेंगे प्रॉपर हमें प्लेग्राउंड मिलेगा प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिलेंगे और प्रॉपर उसके सोर्स मिलेंगे तब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के वेरियस टाइम्स वी कैन प्ले गेम्स। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट गेम्स फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है उनके लिए सेपरेट गेम्स की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जो लड़कों के लिए तो गेम्स की बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है पर वहीं पर लड़कियाँ बैठ के सिर्फ मुख दर्शक बन के उनको देखती रहती हैं। तो ऐसे समय पर स्कूलों के अंदर गर्ल्स के लिए अलग गेम्स की व्यवस्था होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अ पीरियड शुड बी सेट फॉर गेम्स इन स्कूल टाइम टेबल यानी कि स्कूल टाइम टेबल के अंदर गेम्स का पीरियड सेट होना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स गेम्स इन स्पोर्ट्स देयर शुड बी द फिजिकल एक्सरसाइज इन स्कूल। गेम्स के अलावा फिजिकल जो एक्सरसाइज जो पीटी करी जाती है या परेड कराई जाती है उसके लिए भी पीरियड होना चाहिए। इवन टुडे मैनी स्कूल डू नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू फिजिकल एक्सरसाइज कलेक्टिवली। अभी आजकल ये देखा जाता है कि बहुत से स्कूलें जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही स्कूलों को मतलब एक्सरसाइज और उसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देती। तो आज जो हमने पढ़ा था वो आपका गेम्स था कि गेम्स क्या होते हैं तो मैं आपको फिर से आपको बता दूँ कि गेम्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं उनमें क्या कमियाँ हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू कीप देम फिजिकली फिट। ये जो उनको फिजिकली फिट भी रखते हैं द क्वालिटीज डेवलप बाय प्ले ग्राउंड इन स्टूडेंट्स लाइक द स्टूडेंट्स हु आर हेड टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ करियर यानी कि जब वो इन सब चीज़ों में हिस्सा लेते हैं स्पोर्ट्स में तो वो इसमें भी अपना करियर बना लेते हैं और सक्सेस की ओर जाते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टीम स्पिरिट जो उनके अंदर टीम की स्पिरिट होनी चाहिए वो उनके अंदर आ जाती है। कैपेसिटी ऑफ टेक क्विक डिसीजन कैसे फटाफट उन्हें डिसीजन लेना वो उनके अंदर पावर आ जाता है। क्विकनेस आ जाती है क्यूरियोसिटी बाय डूइंग और ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। फिर है और जो उनके अंदर दूसरी चीज और डेवलप होती है वो है कोऑपरेशन की भावना दूसरा लीडरशिप वो अच्छे से कर पाते हैं। बिसाइड द सोशल मॉरल ट्रेनिंग कैन ऑल्सो गिव द ड्यू टू दिस एक्टिविटीज और भी बहुत सारे इसके अंदर है जो कमियाँ भी द फॉलोइंग एम्स क्या क्या उसके लिए बनाए गए वो हमने पढ़ा था इसकी डिफिकल्टीज हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमें सजेशन क्या लेने चाहिए कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो वो हमने आज यहाँ पर पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप उसको समझ में आए तो आप सब पूछ सकते हैं। थैंक यू।